संधि के चार वेद होते हैं, सत्व, उत्व, रुत्व, लोह। ठीक है, सत्व है यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो उसे सा, टा ठा हो तो शा, तथा ता था हो तो सा हो जाता है। जैसे पुत्रः च पुत्रश्च, बाला चिनोति बालश्चिनोति, कश्चित् कश्चित्, देवः च देवश्च, ततः च ततश्च। विसर्गोषा धनु टंकारा धनुष टंकार, का ठक्कुरा कष ठक्कुरा, है ना, गज षष्ठा गज षष्ठा, एषा ठक्कुरा एष ठक्कुरा, रामः तरति रामस्तरति, का थूत करोति कस थूत करोति, है ना। उत्व है, उत्व कैसे होगा, यदि विसर्ग से पहले रसा हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग या रालावा हो वर्ण हो तो विसर्ग को उ तथा उसे गुण होकर के हो जाता। जैसे मना हरा मनोहरा, शरहवरा सरोवरा, मनहजा मनोजा, तपहवनम तपोवनम, मनहगतम मनोगतम, मनहरथा मनोरथा, शिवा वंद्या शिवो वंद्या, सरोजते सरोजते। यदि विसर्ग से पहले तथा बाद में ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को ऊ हो करके ओ हो जाता है, तथा पूर्व रूप के नियम से उसे अवग्रह होता है। जैसे शिवा अर्च्य शिवोर्च्य, रामात्र रामोत्र, है ना, पुरुषोयम पुरुषोयम, कायम कोयम, नरस्ति नरोस्ति, सा अहम सोयम, है ना। रुत्व पे ध्यान देंगे, यदि विसर्ग से पहले आ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तथा बाद में कोई भी स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यारा लावा हो तो विसर्ग को रा हो जाता है। जैसे निहि बला निर्बला, दुह जया दुर्जया, हरे इदम हरेरिदम, शिशु हसति शिशुर हसति, मुनिएशा मुनिरेशा, पितुरिक्षा पितुरिक्षा। लोप संधि के चलेंगे, यदि शा तथा एशा के बाद आ से भिन्न कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे एषः आगतः एषा आगतः, एषः एति एषेति, सः याति सा याति, सः जयति स जयति। यदि विसर्ग से पहले आ तथा बाद में आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कृष्णः एति कृष्णेति, चंद्र उदेति चंद्र उदेति, प्रातः एव प्रात इव, नरः इक्षति नर इक्षति। यदि विसर्ग से पूर्व आहो तथा बाद में कोई स्वर वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रालावा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नराह हसन्ति नराह हसन्ति, गजा धावन्ति गजा धावन्ति, छात्रा नमन्ति छात्रा नमन्ति, बाला आयन्ति बाला आयन्ति, देवा रक्षन्ति देवा रक्षन्ति, नृपाः जयन्ति नृपाः जयन्ति, निहि दुः प्रादुः आवे के विसर्ग के बाद काखा पाफा हो तो उनको सा हो जाता है। ठीक है, निहि कृति निष्कृति, दुः फलम दुष्फलम, दुः कर्म दुष्कर्म, आविः कारा आविष्कार, दुः कृतम दुष्कृतम, निहि फलम निष्फलम। ठीक है, रचनात्मक संकलनात्मक च मूल्यांकन। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करनी है। का चलति कस चलति, नमते नमस्ते, तिरहकारा तिरस्कारा, का अयम कोयम, तरुण धावति तरुणो धावति, भानुदेति भानुर्देति, दुबलं दुष्बलं, प्राताये प्रातेव, सयपि सोपि, कक्षात्रा कोक्षात्रा, यशगानं यशोगानं, मनाजा मनोजः। ऐसे ये बनेंगे। और संधि विच्छेद इनको अलग, पुत्रः च स अवदत्, छात्रः सति, पुनरत्र पुनः अत्र, प्रातः एव, नमः नमादन्तकारः। ऐसे ये सब अलग अलग पार्टीशन करेंगे।
ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, सातीव अति एव पितृणम पेतृणम कोपि का अपि, है ना, ऐसे ही कहचित कश्चित सूक्ति साउक्ति गणेशाय गणेशाय, ऐसे इनको पार्टीशन कर देंगे जिसमें नीचे अंडरलाइंस लगी हुई हैं। सेकंड पे चलेंगे, संदेशु विक्षेदेशु वा शुद्धम विकल्पम चिनुतम तरुच्छाया तरुच्छाया तरु तरुच्छाया, है ना, ऐसे इनको सबको अलग अलग करेंगे, सही जो होगा उसको ट्रू करेंगे। सो ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ।